एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे एंड हम भी एकदम ठीक हैं। तो गाइस, आज है संडे और सुबह के बज रहे हैं मस्ती, और सुबह के बज रहे हैं 10:30 और अभी तक हम नहाए भी नहीं है। मतलब कि मैं तो इस वक्त को फ्रेश हो जाती थी, बट सीमाक्षी ना आज बहुत लेजी बनी हुई है और 10 बजे तो गाइस ये सोकर उठी है, पता आपको? और तो आज संडे है तो फिर अभी तक शॉप ओपन भी नहीं कर रही है। शॉप आई थिंक लंच टाइम के बाद ही ओपन करेंगे। हमारे घर पर VIP गेस्ट आए, ये देखिए हमारा छोटा VIP गेस्ट ऋषिका चौहान, जिसको पड़ गई है छुट्टियां, तो अब ये घर आ गई है। कितने डेज की हॉलीडेज है? 100। तो गाइस 100 डेज की हॉलीडेज पड़ी है। त्रिशु कल आई थी नानी के घर, क्योंकि इसको सबसे पहले नानी के घर ही आना था। एक तो हमारा ये छोटा VIP है, ये दूसरा उससे बड़े वाला। तो रितु काफी टाइम के बाद आई है, तो अच्छा लग रहा है हम आपको कि हमारी चौथी बहन हमारे साथ है। मतलब पूजा तो मतलब यहाँ आती रहती है ना, रितु को टाइम नहीं लगता आने का, क्योंकि बच्चे के साथ बिजी होती है शिमला में, तो कभी कभार ही आना होता है। यहाँ पर मेरे 2 पार्सल आए हैं और इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें जो मैंने सामान मंगवाया है वो कैसा आया है। और ये मेरा कटर, ये बहुत क्यूट है। तो गाइस देखिए मेरी गुट्टीज आ गई है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, कलर भी सुंदर है। साइज भी बता के आ जाएगा, मुझे छोटा लग रहा है, पहन के आ जाएगा साइज, बहुत सुंदर है यार, दिखती रही हूँ। प्राइस है 376 रूपए। सुंदर है। तो गाइस ये देखिए मेरी बुटीज है, सॉफ्ट कितना है, सॉफ्ट भी और ऊपर से देखो कितना प्यारा है। इधर से यार मैंने मंगवा के किया था चेतन को टैडी वाला ना, नहीं शिमला में थी तो थी ना, जब हम गए थे हम लेके आए थे जब ये वाली ना सिंपल वाली, पर इस तरह की नहीं थी है ना, तो मैंने ये ऑनलाइन देखी थी ना, तो मेरे को ये बहुत अच्छी लगी, मैं कई वाली में मंगवाई थी। तो गाइस इसकी क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है, और इधर से भी देख लो रबड़ वाली क्वालिटी, और बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो ये तो मैं रखने वाली हूँ, इसको मैं इधर ही रख लेती हूँ नीचे, क्योंकि अभी मैं इसको यूज करूंगी। और जो सेकंड पार्सल है देखना पड़ेगा खोलकर कि ये कैसा है, अगर ये अच्छा नहीं हुआ तो मैं इसको रिटर्न करूंगी। ये ना मैंने ऐसी शौक में मंगवा लिया, मतलब मेरे को कोई ऐसा नहीं था इसका ना कि मेरे को लेना ही है, मैंने देखा था काफी के पास ना कुछ ज्यादा ट्रेंडिंग में चला हुआ ये कुर्ता सेट ना, मैं कहा चल मंगवा देती हूँ, अगर अच्छा हुआ तो रख लूंगी, अगर मैं कहा अच्छा नहीं हुआ, फैब्रिक डिपेंड करता है कि फैब्रिक कैसा है, अगर अच्छा नहीं हुआ फिर मैं इसको रिटर्न करूंगी। पर्पल कलर, तो आप देख कर समझ गए होंगे कि कौन सा सूट है। आप मेरी शक्ल देख के आइडिया लगा सकते हो, एक्सप्रेशन से पता लग गया, मुझे पहले ही पता चल गया। आप मेरी शक्ल देख के आइडिया लगा सकते हो एक्सप्रेशन देख कर कि ये कैसा होगा, इतना चमचम ना वैसे मैं पहनती हूँ, बहुत ही ज्यादा झुमके है गाइस इसमें। आजकल ना बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चला हुआ था ये वाला कलर भी, और ये वाला जो सूट है इसमें जो ये छन छन कर रहा है ना कुछ ज्यादा ही है, छन छन मुझे पसंद नहीं आता, वलीदी ने वियर कर दिया। तो गाइस वियर तो कर दिया ना, बट मुझे पता कैसा फील आ रहा है, मैं आपको बताऊँ क्या बताऊँ मैं आपको कैसा लग रहा है मुझको। तो गाइस मैं आपको अगर सबसे पहले बताऊँ ना, तो ये इतना ज्यादा हैवी है ना इसका जो मतलब ये वाला पोर्शन है ना, ये बहुत ज्यादा हैवी है, और वैसे देखने में आपको शायद अच्छा लग रहा होगा, बट मुझे ना पर्सनली ये अच्छा नहीं लगा है इसका फैब्रिक, क्योंकि अच्छा नहीं और बहुत ज्यादा चमचम है, इतना चमचम नहीं पहन सकती ना, मुझे थोड़ा सोबर चाहिए होता। ये मैंने वैसे ही मंगवा दिया था, पता नहीं मैंने क्या सोच के ऑर्डर करा, ये सच में ऐसे कपड़े ना मैंने कभी पहने ही नहीं है। लग सुंदर है, हाँ कलर बहुत अच्छा है ना, बट मैंने सच में ऐसे वीडियोस वगैरह बनाने के लिए तो ठीक है, बट मैं ऐसे कपड़े वियर करती ही नहीं हूँ, मैंने कभी करे ही नहीं आज तक ऐसे कपड़े वियर यार। तो ये इस तरह से है, ये इसका ये है आगे वाला लुक, ये बाजू है और ये इसका बॉटम है। कुछ लोग ऐसे चमकीले कपड़े पहनते तो उनके लिए तो सही है ये, बट मेरे लिए बहुत ज्यादा चमचम है, ऊपर से मेरा ये बन, तो ये तो कुछ अलग ही दुनिया में जा रहा है। इसको ऐसे भी पहन सकते हैं, इस दुपट्टे को ना ऐसे भी ले सकते हैं ऐसे करके, है ना सीमो, ऐसे ही अच्छा लगता है ये दुपट्टा, क्योंकि काफी ब्रॉड है, हैवी है ना इसलिए। हाँ जी, तो गाइस ये स्टाइल भी इसका अच्छा लगेगा दुपट्टे का ये वाला। फोटोज वगैरह ले लिए मैंने इसमें, और मैंने थोड़ी सी वीडियो भी बना दी, बट मुझे ना ये अच्छा नहीं लगा है पहन के बिल्कुल भी नहीं, तो फिर मैं तो इसको रिटर्न करवाने वाली, अगर ये पॉसिबल होगा रिटर्न होना मैं रिटर्न करवाऊंगी, अदरवाइज कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया ये, मुझे लगता था कि शायद क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी होगी मेरे अकॉर्डिंग, वैसे कुछ लोगों को पसंद भी आ सकता है, बट मुझे नहीं आया पसंद,
तो फिर मैं इसको वापस करूंगी। अगर आपको लेना होगा मैं आप सभी को लिंक दे दूंगी, मुझे कमेंट में बता देना। हमारे घर में आया है प्रीशु, सरप्राइज दे दिया आज प्रीशु ने हमको। पूजा है, अंकल है, प्रीशा हेलो करो। गाइस ये खेल रही है, ये देखो, अरे ये गंजू। सभी चाय पी रहे हैं बैठकर। ऋतु घर चली गई थी वापस, पर अभी वापस आ गई है। ऋतु जा रही वापस शिमला, त्रिशु को घर छोड़ दिया है। पूजा का सामान था यहाँ पर, तो पूजा सामान पैक कर रही है अपना। हम जा रहे घर, घर जा रहे, अपने घर जाना है। ऐसी है मिश्रा, तो नहीं है क्या करना। और ठीक है तुम? हाँ यार, हम भी ठीक है। मतलब कुछ कैसे हो रहा है? रोज बोलती है नानियों भाई, अच्छा, वो माला जपती है, तब सोती है, सच जपता माला। प्रीशु बाय कर रहा है अभी वहाँ पर मामू को। ऋतु जा रही है शिमला भी। ओके बाय बाय, प्रीशु बाय कर रहा है। प्रीशु पागड़ा जानी हो? जानियो है क्या हुआ? हाथ है मेरा बिजी, ये लो। अरे सीमा तू तो फोन ही नहीं सुनती यार, ऐसा क्या कब करा? तो गाइस यहां है जीजा जी, मेरे को नहीं आया। प्रीशु पागड़ा जानी जानियो जानियो पागड़ा जानियो। अरे वो तो पता नहीं, ये वाला चलो जरा थोड़ा पहले, ये वाला भी सुंदर है, ये वाला अच्छा। मेरे को पता कौन सा लगा अच्छा, मेरे को पता कौन सा लगा अच्छा, एक जो तने पहने एक जो नीचे भी अच्छा है, ये हाँ दो अच्छे ये। आज है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं खा रही हूँ आलू का परांठा। तो गाइस ये देखिए मेरा आलू का परांठा सीमाक्षी ने बनाया है, और ये है मेरा करेला, भरा हुआ करेला। ये हमने शाम को बनाए थे और कुछ करेले बचे हुए थे, और इतने यम्मी करेले बने हैं ना, ओ गॉड, भर भर के स्टफिंग डाली है सीमाक्षी ने। और मेरे खाने का स्टाइल देखो, परांठे के साथ करेला खा रही हूँ। हम बैठे हैं धूप में, मम्मा वगैरह जैसे मैंने बताया था वो बगीचे को गए, और मैं और सीमाक्षी आ गए हैं नीचे। तो हम बाहर धूप सेक रहे हैं, और सीमाक्षी का ना यहाँ पर एक पार्सल आया है, और सीमाक्षी इसको ओपन करके देख रही है। इसमें इसने जैगिंग मंगवाई थी, ये मेरे पास भी है यार, ये वाली गर्म वाली। अंदर से तो बहुत सॉफ्ट है, फैब्रिक दिखा अंदर से जरा, पर है इसमें गाइस देखना। शॉप में जैकेट्स आए थे अभी रिवर्सिबल, ये वाले डिजाइन थोड़ा सा चेंज है इस बार। नमस्ते जी, जो रिवर्सिबल जैकेट्स आए उसमें इस बार ना एक पिस्ता ग्रीन कलर आया है, ये देखिए ये इस तरह से है, तो सेट ब्लैक है मम्मी। मुझे ना ये दो अच्छे लगे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन है, इसका अलग है इसका अलग है, तो फिर मैं कौन सा वाला लू? पैटर्न देखो इनको नींद आ रही है, ये वाला कलर दे दो ना मेरे को, देख मम्मी को मेरी तरह कलर लेना है। हाँ जी, फाइनली आपका इंतजार हुआ खत्म। ये फ्लफी वाले जैकेट्स आ गए हैं, देखिए सीमाक्षी ने एक पहना है नेवी ब्लू कलर, और भी कलर्स इसमें आए हैं, ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल ना ये डिजाइन अच्छा लगा इसका, ये देखिए नेवी ब्लू कलर है, ब्लैक है, पर्पल है, ये सारे यहाँ पर लगाया हुआ है स्टॉक हमारा। तो आप लोगों को इसका था बेसब्री से इंतजार, तो मुझे भी बहुत बेसब्री से इंतजार था, बट ये कलर बहुत लिमिटेड है, इसमें बस इतने ही पीसीज हैं, बाकी में तो आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर। तो जिसको भी ये जैकेट्स लेने हैं तो हमारी शॉप पे विजिट ज़रूर करना, और ये देखिए इस तरह से लग रहा है सीमाक्षी ने पहना हुआ है, ये जैकेट बहुत सुंदर है। यहाँ पर मिंत्रा से मेरा एक पार्सल आया है, तो मैंने सोचा कि इसको ओपन कर लेती हूँ और देखती हूँ जो मैंने मंगवाया है वो कैसा आया है।
अगर अच्छा नहीं होगा ना लगता कुछ हैवी हैवी रहा है। कुछ विंटर का ही मंगवाया है मैंने, पहले तो मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने मंगवाया क्या है मिंत्रा से। गाइस जो मैंने सोचा था वैसा स्टफ नहीं आया। ओह नो, सॉफ्ट वाला नहीं है दीदी, पर है अच्छा। तो ठीक है, उतना बुरा नहीं है। पर वॉर्म है ये, उतना बुरा तो नहीं है, पर फैब्रिक मैंने कुछ और सोचा था। बट ये कुछ और फैब्रिक है, ये ऐसा है गाइस, और इसकी ना स्लीव्स ऐसी है, सुंदर लगेगा पहन। अच्छा लगेगा। इतनी मेहनत के बाद फाइनली हमारा यहाँ पर सारा काम कंप्लीट हो गया है। ये है हमारी शॉप का न्यू लुक, ये देखिए पूरे में हमने जैकेट लगा दिया इधर तक, और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।